मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल प्रियंका स्टाइल कॉर्नर में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो की टाइटल एंड थंबनेल से अब तक आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज की वीडियो क्या होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ह्यूज बैंगल्स हॉल देखने को मिलने वाला है। एंड जैसा कि आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें से मोस्टली जो पार्सल है अभी तक ओपन नहीं हुए, तो आपके सामने इनकी ओपनिंग होगी एंड इनकी जो क्वालिटी है, जो फर्स्ट इंप्रेशन है, वो सब कुछ आपके सामने शेयर किया जाएगा। आज के कलेक्शन में आपको राजवाड़ा बैंगल्स, एडी बैंगल्स एंड पूरा जो बैंगल्स का सेट होता है कुंदन वर्क के, गोल्ड प्लेटेड बैंगल्स, कुछ डेंटिक पीस, मतलब ह्यूज वैरायटी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इन्हें आप किसी भी वेडिंग पार्टी में, वेडिंग फंक्शन में या किसी फेस्टिवल में या ऐसे कैजुअल वियर के लिए भी स्टाइल कर सकती हैं। मतलब हर तरह के बैंगल्स आपको आज देखने को मिलेंगे एंड ह्यूज कलेक्शन होने वाला। आई थिंक 10 से ज़्यादा आपको बैंगल्स के सेट देखने को मिलेंगे एंड सुपर दुपर अफोर्डेबल रेंज में। मोस्टली बैंगल्स आपको अंदर 300 में देखने को मिलेंगे। एक या दो बैंगल्स सेट की प्राइस 300 या 400 के बीच में, बाकी सारे अंडर 300 में है। तो चलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, दिखाती हूँ, क्योंकि ह्यूज कलेक्शन होने वाला है, वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी एंड आई होप आपको आज का मेरा ये जो बैंगल का कलेक्शन है वो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पार्सल ओपन करते हैं एंड देखते हैं इसमें से कौन सा बैंगल निकलता है एंड इसकी क्वालिटी कैसे निकलती है। पैकिंग तो आप देख सकते हैं, नो डाउट काफ़ी अच्छी करके इन्होंने भेजी है। और इसमें से एक बहुत ही खूबसूरत मैंने कंगन का सेट ऑर्डर किया था, वो निकला। लुक वाइज तो एग्जैक्टली सेम लग रहा है जैसा मीशो की साइट पे दिख रहा था। ये सारी शॉपिंग मैंने मीशो से की है, बाय द वे बता दूं। एंड पैकिंग भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी करके भेजी है, इस तरह से बबल रैप में आपको पैक होके मिलेगा। तो पूरा ओपन करके इसकी क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। ये दो कंगन का सेट मुझे 224 में मिला था। क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि एकदम हवा में है नहीं है, ये थोड़ा सा वेटी है। मतलब इसका इन्होंने जो मटेरियल यूज किया है, ब्रास का मटेरियल यूज किया है, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। मतलब लग रहा है हाँ कुछ अच्छा चीज़ है। ये एकदम गोल्ड कलर में है, आप देखिए गोल्डन फिनिश में है, गोल्ड प्लेटेड है। मैं एक बैंगल आपको पास से दिखाती हूँ एंड इसमें इन्होंने मल्टीपल कलर नहीं, ग्रीन एंड रेड कलर का बीट्स लगाया है एंड बीच बीच में वाइट पल की डिटेलिंग दी है। आप इसकी डिटेलिंग पास से देखिए, इस तरह से आपको ये देखिए ग्रीन एंड रेड कलर के बीट्स लगाए एंड यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे वाइट पल की डिटेलिंग दी है। तो इस तरह से आपको बीट्स मिलेंगे। फिनिशिंग की बात करूँ तो फिनिशिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, कुछ भी चुभने वाला नहीं है। ट्राई करके दिखाती हूँ, आप देख सकती हैं काफ़ी प्रिटी लग रहा है, कुछ भी चुभ नहीं रहा है। तो फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है, आप चाहें तो इन्हें ऐसे स्टाइल कर सकती हैं, इस तरह भी ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। या बैंगल्स पे सेट बना रही हैं तो इन दोनों कड़ों को बीच में लगा सकती हैं एंड आगे पीछे चूड़ियां लगा के एक बहुत ही खूबसूरत सा हैवी लुक देने वाला बैंगल का सेट भी बना सकती हैं। तो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे इसकी डिटेलिंग, फिनिशिंग सब कुछ बहुत ही अच्छी लगी। आप इसकी डिटेलिंग देखिए, बहुत ही बारीकी से काम किया गया है, तो टोटली वर्थ इट है। 274 में मिला था, उस अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी सुपर्ब है। तो पसंद आता है तो हाईली हाईली रिकमेंडेड है। नेक्स्ट पार्सल ओपन करते हैं एंड देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। इसकी भी पैकिंग आप देख सकते हैं सेम वैसी ही है। इसमें से भी बहुत ही खूबसूरत मैंने कड़ा का सेट ऑर्डर किया था, वो निकला। इसमें आपको मल्टीपल कलर के बीट्स मिलेंगे एंड इसकी प्राइस बता दूं, मैंने मेंशन की है, तो ये कंगन का सेट आपको जस्ट 199 में मिलेगा। इसमें भी जो मेटल यूज किया है वो ब्रास का है, पूरा गोल्डन कलर में है, आप देखिए पूरा गोल्ड प्लेटेड है। मैं एक बैंगल आपको पास से दिखाती हूँ, इसकी भी डिटेलिंग बहुत ही प्यारी लग रही है एंड ये थोड़ा सा लाइट वेटेड है एज़ कम्पेयर टू जो मैंने आपको पहला वाला कड़ा का सेट दिखाया था, उसके कंपेयर में ये थोड़ा सा लाइट वेटेड है। आप देखिए इस तरह के मल्टीपल कलर के इन्होंने बीट्स लगाए हैं, रेड एंड ग्रीन कलर का। देन यहाँ पे आप देखिए इस तरह से आपको छोटे छोटे वाइट पल की डिटेलिंग मिलेगी चारों साइड में। डिटेलिंग इन्होंने काफ़ी खूबसूरत रखी है, यू कैन सी बहुत ही प्यारा लग रहा है एंड कई कलर का यूज किया गया है, तो मोस्टली आपके आउटफिट के साथ, साड़ियों के साथ, कुर्ती के साथ चला जाएगा। फिनिशिंग की बात करूँ तो फिनिशिंग भी अच्छी लगी, एक दो जगह से थोड़ा सा लग रहा है बट मुझे लगता है वो उतना चुभेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने ये जो बाहर आप देख सकते हैं थोड़ा सा उभरा पोर्शन बनाया वही थोड़ा सा लग रहा है, बट ये ऐसा नहीं है कि कुछ फंस के आपका कपड़ा खराब करेगा, ऐसा वाला नहीं है। तो फिनिशिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आप देख सकते हैं, मैं आपको स्टाइल करके दिखा रही हूँ, यू कैन सी बहुत ही प्रिटी लग रहा है। आप इसे कुर्तियों के साथ, साड़ियों के साथ ऐसे भी स्टाइल कर सकती हैं, या अगेन आप इसे चूड़ियों में आगे पीछे, दो और ऑर्डर कर ली तो चूड़ियों में आगे पीछे लगा के एक बैंगल का सेट बना सकती हैं, या मिडिल में भी लगा के एक बैंगल का सेट बना सकती हैं। तो 200 के अंदर इसकी क्वालिटी सुपर्ब है, लुक भी आप देखिए कितना खूबसूरत है।
तो अगेन मुझे ये प्राइस के अकॉर्डिंग टोटली वर्थ इट लगा, पसंद आता है तो जरूर बाय कीजिए। बहुत ही खूबसूरत सा चूड़ा का सेट दिखा रही हूँ जो मुझे कुछ इस तरह के बॉक्स में पैक होके आया था, तो पैकिंग अगेन नो डाउट बहुत ही अच्छी है। एंड ये जो चूड़ा का सेट है ये मुझे 258 में मिला था। अब देखिए इस तरह से बबल रैप में पैक होके आया है, तो नो डाउट पैकिंग इन्होंने काफ़ी अच्छी रखी है। अब इसे पूरा ओपन करके देखते हैं, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पैक हो गया है एंड बहुत ही खूबसूरत ये चूड़ा का सेट लग रहा है। ओके, मैं इसे पूरा ओपन करके आपको इसकी क्वालिटी भी बताती हूँ कि क्वालिटी कैसी है। मैंने एक ही हाथ का सेट निकाला है एंड आप देखिए एक हाथ के लिए आपको इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ मिल रही हैं, तो पहनने पर पूरा हाथ आपका भरा दिखेगा। प्लास्टिक का है चूड़ा, बट क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी रखी है। सबसे पहले आपको ये प्लास्टिक का बैंगल्स मिलेगा, इस पे इस तरह से कुंदन वर्क की डिटेलिंग है। देन आपको ये प्लास्टिक का बैंगल्स मिलेगा, इस पे इस तरह से ग्लिटर की डिटेलिंग है सिल्वर। उसके बाद आपको ये वाइट बैंगल्स मिलेगा जिस पे इस तरह से प्रिंट है। अगेन आपको ये सिल्वर वाला प्रिंट, मतलब सिल्वर ग्लिटर वाला, एंड अगेन ये कुंदन वर्क का। उसके बाद आपको ये मरून कलर का पूरा प्लास्टिक का बैंगल्स मिलेगा, उसके बाद अगेन आपको ये, फिर ये, एंड देन ये। तो इस तरह से ये पूरा सेट है। क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैं आपको स्टाइल करके दिखा देती हूँ कि लुक कैसे होने वाला है। अगर आपकी होने वाली शादी है या न्यूली मैरिड भी हैं या ऐसे भी किसी भी फेस्टिवल में पार्टी में, साड़ियों के साथ चूड़ा काफ़ी अच्छा लगता है। इनफैक्ट हैवी सूट के साथ भी, अगर आप न्यूली मैरिड है तो सूट के साथ भी चूड़ा काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख सकती हैं पहनने पे कितना खूबसूरत लग रहा है, एक तो पूरा हाथ भरा हुआ दिख रहा है एंड क्वालिटी लुक सब कुछ बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर इस रेंज में देखा जाए जो इसकी प्राइस है उस अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी सुपर्ब है एंड लुक भी आप देखिए कितना खूबसूरत निकल के आ रहा है। तो मेरी तरफ से तो हाईली हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपको ये चूड़ा का सेट पसंद आता है तो आँख बंद करके आप इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट कीजिए। आपको एक बैंगल का सेट दिखाने वाली हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है। आप देखिए इस तरह से आपको ये पूरा बैंगल का सेट मिलेगा, तो ये इस तरह से पैक होके आया था। ये चार कड़े एक साथ आए थे, आप देखिए इस तरह से ये चार कड़े मिलेंगे मोटे मोटे। प्लास्टिक का मटेरियल है बट क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी रखी है। एंड इन कड़ों पे आपको इस तरह से कुंदन वर्क की डिटेलिंग मिलेगी एंड यहाँ पर भी आप देखिए आर्टिफिशियल स्टोन इन्होंने लगाए। तो इस तरह से आपको चार कड़े मिलेंगे जिसकी क्वालिटी सुपर्ब है। उसके बाद आपको ये टोटल 8 बैंगल्स मिलेंगे जिसमें ओरिजिनल मिरर पूरे लगे हुए हैं। अब देखिए ये भी प्लास्टिक का है बट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एंड ये जो ओरिजिनल मिरर लगे हैं ना, इसको बहुत ही अच्छे से सिक्योर किया गया चारों साइड से, तो ऐसा नहीं है कि ये मिरर चुभने वाले हैं। आप देखिए कुछ भी चुभने वाला नहीं है इसमें, बहुत ही अच्छे से सिक्योर किया गया है, यू कैन सी। एंड नीचे इन्होंने पूरा ग्लिटर का बेस लगाया है, बट ग्लिटर ऐसा नहीं है कि निकल रहा है, तो क्वालिटी सुपर्ब रखी है। तो इन, मतलब ये जो बैंगल का सेट है इसे आप कई तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, इन्हें चाहे तो अलग अलग स्टाइल कर सकते हैं या अदर किसी चूड़ी के सेट में लगा के अपना एक बैंगल का सेट बना सकती हैं। इसे भी आप अलग से स्टाइल कर सकती हैं या किसी चूड़ियों के सेट में लगा के अपना एक बैंगल का सेट बना सकती हैं, या जैसा इन्होंने प्रोवाइड किया है मैं आपको स्टाइल करके दिखाती हूँ। ये बैंगल का सेट कुछ इस तरह से है, देख सकती हैं स्टाइल करने पर ये पूरा बैंगल का सेट कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है, फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। आप इन्हें ऐसे भी स्टाइल कर सकते हैं या आप जो आपने आउटफिट पहना उसके मैचिंग कलर में इसमें बीच में चूड़ियां भी ऐड कर सकती हैं, उस तरफ भी इसका लुक काफ़ी खूबसूरत निकल के आएगा। किसी भी पार्टी में, किसी भी वेडिंग फंक्शन में स्टाइल करेंगे, फेस्टिवल में स्टाइल करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो अगेन प्राइस के अकॉर्डिंग ये जो, ये भी मुझे अंडर 300 में ही मिला था, इसकी प्राइस मैं यहाँ स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। तो प्राइस के अकॉर्डिंग टोटली वर्थ इट है, पसंद आता है तो जरूर बाय कीजिए। कहते हैं कि कौन सा बैंगल ये निकलने वाला है। जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने एक बहुत ही खूबसूरत राजवाड़ा कड़ा का सेट ऑर्डर किया था एंड एक वही निकलने वाला है, बहुत ही खूबसूरत है। पैकिंग आप देखिए अगेन आपको बबल रैप में पैक होकर मिलेगा, तो पैकिंग काफ़ी अच्छी है। अब फर्स्ट लुक देखिए बहुत ही प्यारा है एंड ये मुझे 248 में मिला था, तो अंडर 250 में ही मिला था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, फिनिशिंग सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो सुपर भी इन्होंने प्रोवाइड की है, मतलब कुछ भी ऐसा चुभने वाला नहीं है, पूरा मतलब आर्टिफिशियल स्टोन एंड एडी की डिटेलिंग है। आप देखिए इस तरह से पूरा ये फ्लावर इन्होंने बनाया एंड उस पर पूरा ये एडी है, आर्टिफिशियल एडी, पूरा गोल्ड प्लेटेड है, ब्रास का मटेरियल है एंड इस तरह से आप देखिए गोल्डन कलर के इन्होंने पर्ल लगाए हुए हैं एंड ऊपर इस तरह से इन्होंने डिटेलिंग दी है। ये जो फ्लावर हैं ऊपर से स्टिक किए गए हैं,
बट फिनिशिंग काफ़ी अच्छी रखी है, मतलब ऐसा नहीं है कि निकल जाएंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में रखा है इन्होंने। देखिए मुझे तो प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही सुपर्ब लगा, एंड काफ़ी विथ, मतलब इसका जो विथ है वो काफ़ी ब्रॉड सा है, तो पहनने पे एकदम वो राजपूताना वाला लुक होता है ना वो आएगा। फिनिशिंग तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये जो अंदर की साइड बैंगल है ना, ये थोड़ा सा फोल्ड है, तो बहुत ही स्मूथली आपके हैंड में स्लिप हो जा रहा है, एंड स्टाइल करने पे देखिए बहुत ही प्रिटी लुक देगा। साड़ियों के साथ, सूट के साथ अमेजिंग लगने वाला है। न्यूली मैरिड है तब भी आप इस कंगन के सेट को मतलब बाई कर सकती है, मेरी तरफ से तो हाईली हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप कोई हैवी लुक वाला अपना बैंगल का सेट बनाना चाहती हैं, जो एकदम रॉयल वाला लुक दे, राजपुताना वाला लुक दे, तो आप कोई भी चूड़ी के सेट में इन दो कंगन को बीच में लगाइए, ट्रस्ट में गाइस जस्ट अमेजिंग लुक आएगा। तो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे तो इसकी क्वालिटी, फिनिशिंग, लुक, साइन, देखिए सब कुछ 10 of 10 है। पसंद आता है तो हाईली हाईली रिकमेंडेड है ये कंगन का सेट। सेट दिखाने वाली हूँ वो भी आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल है, ये है ये कंगन का सेट। इसमें आपको एक रेड या मरून कलर का भी ऑप्शन मिलेगा। तो बेसिकली ये बैंगल साइज पे पूरा ये धागे का काम किया गया है, थ्रेड वाला बैंगल है। आप देखिए पूरा ऊपर से धागा, मतलब जो थ्रेड होता है, थ्रेड क्या मैं कहूँगी, जो ऊन होता है ना जिससे स्वेटर्स बनते हैं, वुल, वो वाला इन्होंने पूरा थ्रेड लपेटा हुआ है येलो कलर में, तो ये आपको रेड कलर में भी मिल जाएगा। एंड इस तरह से ये जो शंख होते हैं आर्टिफिशियल, उसके बीड्स लगाए हुए हैं, ये मतलब धागे में ही पिरोए गए हैं। ऊपर से इन्होंने गोल्डन कलर का थ्रेड, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, उसी में इस सबको पिरोया है, छोटे छोटे स्मॉल गोल्डन कलर के बैंगल्स, एंड ये व्हाइट कलर का इन्होंने जो शंख लगाया है। बट इन्होंने जो जो शंख लगाया ना, इसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी साइन है, आपको अंडर 200 में मिल जाएगा। आप देखिए स्टाइल करने पे कितना प्रिटी लुक दे रहा है, आप किसी भी पार्टी में, किसी भी फेस्टिवल में स्टाइल कर सकती हैं। ये येलो कलर में है, तो अगर आपका हल्दी फंक्शन है या आप किसी के हल्दी फंक्शन में एज अ गेस्ट जा रही हैं, तब भी इस कंगन के सेट को स्टाइल कर सकती हैं। आप चाहें तो इससे भी बैंगल्स में लगा के अपना एक बैंगल का सेट बना सकती हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा ये लाइट वेटेड है, तो ये मुझे टोटली वर्थ इट लगा। अगर आपको भी पसंद आता है तो मेरी तरफ से हाईली हाईली रिकमेंडेड है, ज़रूर बाई कीजिए। नेक्स्ट मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा कंगन का सेट दिखाने वाली हूँ, ये आप मतलब एज अ ब्रेसलेट भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए इस तरह से पैक हो क्या है, तो पैकिंग काफ़ी अच्छी है। ये मुझे आई थिंक अंडर 200 में ही मिल गया था, जो एग्जैक्ट प्राइस होगी मैं यहाँ स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। बहुत ही खूबसूरत सा है, अगर आप ऑफिस जाती हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, या अगर आपको कहीं मतलब थोड़ा सा बहुत हैवी लुक वाला बैंगल नहीं पहनना है, थोड़ा सा सिंपल रखना है, डेंटिक पीस पहनना है, तो आप इस बैंगल को कंसिडर कर सकती हैं। ये एडजस्टेबल भी है, बहुत ही खूबसूरत है। मेटल जो यूज किया है उसकी फिनिशिंग मतलब बहुत ही अच्छी रखी, पूरा गोल्ड प्लेटेड है, आप देखिए। एंड इस तरह से आपको बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पे ये वर्क मिलेगा डिटेलिंग, आप देखिए इस तरह से इन्होंने बनाया है। एंड एक साइड इन्होंने आर्टिफिशियल एडी की डिटेलिंग दी है, उसके जो आर्टिफिशियल एडी लगाया ना वो बहुत ही अच्छे से फिट है, कहीं से गिरने वाले नहीं है। एंड फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी रखी है, मैं पास से दिखा रही हूँ, आप देखिए इस तरह से डिटेलिंग मिलेगी। एंड बैक साइड से आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, इस तरह से मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको इसे स्टाइल करके दिखाती हूँ, देख सकते हैं स्टाइल करने पे कितना प्रिटी लुक दे रहा है। ये आपके इंडियन एज वेल एज वेस्टर्न आउटफिट दोनों के साथ बहुत ही अच्छे से जाएगा। अगर आप डेंटिक पीस पहनने के शौकीन है तो डेफिनेटली आपको ये वाला ब्रेसलेट का सेट या आप कंगन का सेट कह सकती हैं, बहुत ही पसंद आएगा। क्वालिटी भी सुपर्ब है, फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है, शाइन भी काफ़ी अच्छी है, एंड स्टाइल करने पे नो डाउट बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो ये भी अगर आपको पसंद आता है तो मेरी तरफ से अगेन ये हाईली रिकमेंडेड है। मैं आपको एक चूड़ा का सेट दिखाने वाली हूँ, जो मैंने थोड़े टाइम पहले बाय किया था, बट इसकी भी क्वालिटी अगेन बहुत ही सुपर्ब है। आप देखिए ये आई थिंक मुझे 400 के अप्रॉक्स मिला था, तो आज के कलेक्शन में सबसे हाई रेंज का यही है। मैं एक हाथ का आपको निकाल के दिखाती हूँ, एक हाथ में आपको इतने बैंगल्स मिलने वाले हैं। ये भी प्लास्टिक का है, बट अगेन प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, कुछ भी चुभने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये वाला बैंगल्स मिलेगा, जिसपे इस तरह से आप देखिए कुंदन वर्क की डिटेलिंग है। देन आपको ये प्लास्टिक का बैंगल्स मिलेगा, जिसपे इस तरह से गोल्डन कलर के एडी फिक्स किए गए हैं। अगेन आपको ये ग्रीन कलर का बैंगल्स मिलेगा, जिसमें एडी की डिटेलिंग, एडी नहीं सॉरी, कुंदन वर्क की डिटेलिंग है। अगेन इस तरह से बैंगल्स मिलेगा, जिसमें सर्कल शेप में आप देखिए कुंदन वर्क लगा है। उसके बाद अगेन ये एडी वर्क वाला, उसके बाद आपको इसमें एक मोटा कड़ा मिलेगा, आप देखिए
एंड इसमें पूरा इस तरह से डिटेलिंग है। ये लिए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है एंड एक से दो बार स्टाइल कर चुकी हूँ, बट देखिए कहीं से भी कोई स्टोन या कुंदन गिरा नहीं है एंड फिनिशिंग भी आप देखिए काफ़ी अच्छी रखी। अगेन दूसरी साइड आपको ये वाला बैंगल्स मिलेगा, तो इसे भी मैं आपको स्टाइल करके दिखाती हूँ कि लुक कैसा आने वाला है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही खूबसूरत लगता है। स्पेशली बीच में इन्होंने जो मोटा कंगन प्रोवाइड किया है उसकी वजह से इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है, तो पूरा हाथ आपका भरा दिखता है आप देखिए। एंड किसी भी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में, या अगर आप न्यूली मैरिड हैं, आपकी होने वाली शादी भी है, तब भी आप इस चूड़ा के सेट को कंसीडर कर सकती हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग टोटली वर्थ इट है। पर्सनली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। एंड आप एक काम ये भी कर सकती हैं कि अगर आपको पूरा चूड़ा स्टाइल करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप सिर्फ ये वाला बैंगल भी स्टाइल करेंगे ना, तो बहुत ही एकदम जो न्यूली मैरिड वाली वाइफ्स आती है ना, वो आएगी, क्योंकि इसका विथ आप देखिए कितना चौड़ा है एंड स्टाइल करने पे आप देखिए बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। तो अगेन प्राइस के अकॉर्डिंग टोटली वर्थ इट है ये पूरा चूड़ा का सेट। मैं आपको दिखाती हूँ पूरा चूड़ा का सेट। इस तरह क्या होता है ना, बैंगल्स ख़राब कम होते हैं एंड उनकी साइन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बनी रहती है। तो अगेन प्राइस के अकॉर्डिंग ये पूरा सेट टोटली वर्थ इट है। पसंद आता है तो जरूर बाय की। बहुत ही खूबसूरत एडी वर्क की डिटेलिंग के साथ ये सिल्वर कलर दिखाने वाली हूँ। मैंने अब तक आपको बहुत सारे गोल्डन कड़े दिखा दी, तो इसलिए अब जो ज्वेलरी आपको दिखाने वाली, मतलब जो कंगन दिखाने वाली हूँ या बैंगल्स दिखाने वाली हूँ, वो मोस्टली सिल्वर कलर में होने वाली हैं। बहुत ही खूबसूरत है, मेटल का यूज किया गया, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है एंड साइन देखिए, ओ माई गॉड, बहुत ही अच्छी साइन है। पूरी डिटेलिंग आपको पास से दिखाती हूँ। अब देखिए कितनी बारीकी से काम किया गया, एकदम सिल्वर कलर में, ब्राइट कलर में, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है एंड पूरा इस पर एडी का वर्क है, जर्कन एंड एडी का वर्क दिया गया है। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी रखी है। इन कंगन को आप ऐसे भी स्टाइल कर सकती हैं साड़ियों के साथ या कुर्तियों के साथ, काफ़ी अच्छा लगेगा। या कोई बैंगल का सेट बना रही हैं तो इन दो कंगन को बीच में डाल सकती हैं, तो उस तरह से भी ये पूरा सेट काफ़ी अच्छा लगेगा। प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आपको ये बैंगल का सेट पसंद आता है, इट मीन्स कंगन का सेट, ये अंडर 200 में, तो आँख बंद करके आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कीजिए। बहुत ही खूबसूरत डिटेलिंग के साथ है एंड फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी है, टोटली वर्थ इट है ये। नेक्स्ट मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा एक ऑक्सीडाइज बैंगल का सेट, या आप कह सकते हैं कंगन का सेट दिखाने वाली हूँ। ये एडजस्टेबल है, यहाँ से आप देखिए, तो इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। ये भी आपको 300 के अंदर ही मिलेगा एंड ऊपर से आप देखिए इसमें बहुत ही खूबसूरत आपको डिटेलिंग मिलेगी। इस तरह से पूरा डिटेलिंग दी गई है एंड लास्ट एंड पे इस तरह से घुंघरू लटकाए हैं। इसे भी स्टाइल करने पे आप देखिए कैसा लुक आ रहा है। आप चाहें तो दोनों को एक हाथ में भी स्टाइल कर सकती हैं। इस तरह से आप देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, साड़ियों के साथ, कुर्तियों के साथ, इनफैक्ट इंडो वेस्टर्न टाइप के आउटफिट के साथ भी ये जो ऑक्सीडाइज बैंगल का सेट है ना, बहुत ही प्यारा लगता है आप देखिए। या आप चाहें तो इन्हें अलग अलग भी स्टाइल कर सकती हैं। फिनिशिंग की बात करूँ तो आप देखिए कुछ भी चुभ नहीं रहा है, तो फिनिशिंग भी इन्होंने काफ़ी अच्छी रखी है। मुझे तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये जो ऑक्सीडाइज कड़े का सेट है ना, बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड सबसे बड़ी बात स्टाइल करने पे लुक भी काफ़ी अच्छा निकल के आता है। तो पसंद आता है तो जरूर बाय कीजिए। नाउ लास्ट में आपको जो कड़ी का सेट दिखाने वाली हूँ, ये भी देखिए बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह से आपको मिलेगा, इसमें ये जो सिल्वर कलर का आपको बीट्स है, मतलब पर्ल दिख रहा है, ये सारे प्लास्टिक के बीट्स हैं, ओरिजिनल नहीं है, बट लुक वाइज बिल्कुल भी नहीं लगता, चीप है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी है एंड इस तरह से पूरा वाइट जो शंख के बीट्स होते हैं वो लगाए हैं। अगेन इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी रखी है, साइन काफ़ी अच्छी है एंड ये भी एडजस्टेबल है, तो इसे आप एज अ ब्रेसलेट भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए आप चाहें तो दोनों को अलग अलग हैंड में स्टाइल कर सकती हैं, इस तरह भी ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा, या तो आप दोनों को एक साथ स्टाइल कीजिए तो आप देखिए काफ़ी हैंड आपका भरा दिखेगा। कुर्तियों के साथ, साड़ियों के साथ, कॉटन साड़ियों के साथ स्पेशली इस तरह के जो बैंगल हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगेन प्राइस के अकॉर्डिंग ये मुझे टोटली वर्थ इट लगा एंड सबसे बड़ी बात ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, तो आप इन दोनों कड़ों को पूरे दिन भर स्टाइल कर सकती हैं एंड कुछ भी चुभने वाला नहीं है, बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग के साथ है। तो अगेन प्राइस के अकॉर्डिंग ये टोटली वर्थ इट है। पसंद आता है तो जरूर बाय कीजिए। तो फ्रेंड यही था मेरा आज का ह्यूज मीशो बैंगल्स हॉल। आई होप आपको आज का मेरा कलेक्शन जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में जितना हो सके आपको अच्छी क्वालिटी के एंड डिफरेंट वैरायटी के बैंगल्स दिखाऊं। तो वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।